चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी पान की मोदक, वो भी सूजी के साथ में। तो ये मेरे पान के पत्ते हैं जो मैंने अपने खुद के गमले में से लिए हुए हैं। मेरे घर में पान के पत्ते लगे हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कटोरी से कम है थोड़ा सा रवा लिया हुआ है, और ये कुछ पान के पत्ते हैं, 7 से 8 होंगे, और कुछ बादाम हैं, ये 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, 5 से 6 पिस्ता और कुछ किशमिश, और ये मैंने 1 गिलास दूध लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम पहले क्या करेंगे, अपनी ये कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं। तो चलिए हम अपनी कढ़ाई को गरम कर लेते हैं, और इसमें हम डालेंगे ये हमारा मिल्क, और इसको हम गर्म होने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा मिल्क गर्म हो रहा है तब तक हमको क्या करना है कि हमको जो हमारा रवा है उसको 1/2 स्पून घी डाल के हमको रोस्ट कर लेना है। ज्यादा नहीं, हल्का सा हमको जो रवे का कच्चापन होता है उसको मिटाने के लिए। बस अभी मैं इसमें रवा डाल दूंगी और हल्के हाथ से हमको उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। धीमी आंच पर ही भूंजे, क्योंकि तेज आंच रहेगी तो रवा जलने लगेगा, इसलिए धीमी आंच पर ही भूंजे। ये देखिए हमारी सूजी भुंज गई है, मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा डाल के 1-2 मिनट तक हमको इसको धीमी आंच पे भूंजना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध भी गर्म हो गया है और सूजी भी मैंने अपनी प्लेट में निकाल ली है। इस स्टेज पे क्या करेंगे हम, दूध में 1 चम्मच घी डाल देंगे। ये मैंने घी डाल दिया है इसमें, और हम इसको मेल्ट होने देंगे। देखिए अब हम इसमें रवा डालेंगे जल्दी जल्दी, ताकि इसके लम्स ना पड़े और मिलाते जाएं। अभी हम ये वाला रवा भी डाल देंगे जो बचा था, और अब हम इसको मिलाएंगे। जो भी लम्स अगर पड़ जाते हैं, गैस की आंच धीमी कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शक्कर ली हुई है और कुछ इलायची डालनी है। अभी मैं इनको इसमें मैं कुछ ये बादाम के पीस भी डाल दूंगी, और इनको मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पीस ली है शक्कर। अब मैं इसमें, और अब मैं जो मेरे पान के पत्ते हैं इनकी मैं ये तोड़ के और इसमें मैं ये पीस करके डाल देती हूँ। इनको मैं पीस लूंगी, तो चलिए मैं डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीस लिया है। अगर आपका नहीं पिसता है तो 2 बादाम और थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, ये इजीली पिस जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दूध डाला था अपने रवे में, ये हमारा गाढ़ा हो गया है। अभी हमको इस स्टेज पे क्या करना है, ये हमको इसमें शक्कर डालनी है जो मैंने पीसी थी, आपको बताई थी, तो वो हम डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी शक्कर पानी छोड़ेगी इसमें, इसीलिए। तो मैंने पहले शक्कर नहीं डाली थी, वरना बहुत पतला हो जाता ये। तो देखिए हमारी शक्कर ने पानी छोड़ दिया है, ये देखिए। अभी हम इसको मिक्स होने देते हैं, और अब मैं ये पान के पत्ते जो पीसे थे हम वो डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा पान के पत्ते मिक्स हो गए हैं इसमें अच्छे से। अब हमको क्या करना है, इस स्टेज पे जो हमारा मिल्क पाउडर था वो हमको डाल देना है। तो मैं ये मिल्क पाउडर इसमें डाल दूंगी, और गैस की आंच धीमी ही रहने दें। ये देखिए, और अभी मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड करूंगी। ये देखिए,
मैं चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इससे क्या है कि हमारा जो रवे का डो है बहुत सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने थाली में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको हाथ से अच्छे से मैश करेंगे। तब तक मैं क्या करती हूँ, इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली स्टफिंग सबको पहले बताई हुई है, अपनी पहले वाली मोदक में, पीनट मोदक में इसकी स्टफिंग कैसे बनानी है। ये पिस्ता वाली स्टफिंग है जो मैंने पहले बताई हुई है। तो बस अब मैं इसमें थोड़े से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं बारीक चॉप करके इनमें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अभी मैं इसको अपने मिक्सर में मिक्स कर देती हूँ और अच्छे से इस मिक्सर को मैं मिक्स कर लूँगी। चलिए, ये तो हमारा स्टफिंग तैयार हो गई है मोदक की। अब हम अपने रवे की भी हालत देख लेते हैं कैसी है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक थाली में ये घी लगा लिया है और अब जो हमारा जो रवा है इसको हम अपनी बड़ी थाली में निकाल लेते हैं, क्योंकि तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, मैश करना है। देखिए, अभी भी थोड़ा गर्म है ये, तो आप लोग थोड़ा टाइम लेकर कीजिए। अगर इसमें कोई भी गुठले ऐसे आ जाते हैं तो वो हाथ से मैश हो जाएंगे। तो मैं इसको चिकना डो तैयार कर लेती हूँ इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। कितना चिकना डो लगा है हमारा। अब चलिए हम अपनी मोदक बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसमें से थोड़ा सा सूजी का डो लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा भरेंगे पहले, और अच्छे फिंगर से इसको कस के पकड़ना है। और ये देखिए, ये मैंने अंदर तक बोकर खोल कर दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी हमारी स्टफिंग। देखिए, ये हमारी स्टफिंग मैंने अच्छे से फिंगर से अंदर कर दी है, और अब हमको ऊपर से इसमें कवर कर देना है, एक्स्ट्रा पोर्शन जो हो उसको निकाल दें। और जो साइड से निकले उसको भी निकाल दें, और एकदम क्लीन करके उसको हमारी मोदक को निकाल ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बन गई हमारी मोदक। चलिए, इसी तरह से मैं और बना लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीके से और मोदक बनाना बताती हूँ। अगर सांचा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये स्टफिंग हमने अपनी इसमें भरी और हम इसको कचौड़ियों की तरह बंद कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमको ये मोदक बना लेनी है। ये हमको ऐसे गोल गोल कर लेना है हाथों से, और फिर हमको ऐसे बिठाना है। अभी हम मोदक का शेप कैसे लाएं, तो ये देखिए, ये हमने फोके ऐसे। अगर सांचा नहीं है तो इस तरीके से आप मोदक घर में बना सकते हैं। अभी हमको इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। ये देखिए, बन गई ना मोदक। तो चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी मोदक बनके तैयार हो गई है। ये इस प्लेट में आ गई है, ये भी है हमारी मोदक। और ये देखिए, ये हमारी सारी मोदक बन गई है। आप भी इसी तरीके से मोदक बनाइए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये मोदक कैसी बनी है। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है, खाने में भी बहुत यम्मी है। और मुझे बताइए कि मोदक कैसी बनी है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि मोदक कैसी बनी है। आप लोग भी गणपति पप्पा को ऐसे ही भोग लगाइए। तो फिर मिलते हैं हम नई डिश, नई रेसिपी और नई ट्रिक्स के साथ में। बाय फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा किचन को ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।